बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल तनु किचन है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज की हमारी रेसिपी है खट्टी दाल और आलू की कटलीस की रेसिपी। इसके लिए हमने ले लिया है 1.5 कप तुअर की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल। और ये 1 कप से तुअर की दाल ले ली हम लोगों ने, 1/4 कप भी है इससे हमने मसूर की दाल ले ली। 6 से 7 टमाटर ले लीजिए, 8 से 10 हरी मिर्ची, 1 कटोरी करिया पाक ले लीजिए, 1 मुट्ठी इमली ले लीजिए, भीगने डाल लीजिए इमली को, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, चाय के चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए, नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ले लीजिए, हरा धनिया 1 मुट्ठी ले लीजिए। ये बघार का आइटम है, ये देखिए, इससे 1 कप ले लीजिए करियापाक, 2 चम्मच जीरा ले लीजिए, 7 से 8 सूखी मिर्ची ले लीजिए, 8 से 10 लहसुन की कलियां ले लीजिए। ये बघार का आइटम है पूरा। अब हम दाल मत लेंगे, अच्छे से मत लीजिए, हम लोग दाल मत के रख ली, मत दिए। अब कुकर में डाल लीजिए दाल, तुअर की दाल है मसूर की दाल, 2 मग पानी डाल लीजिए। बस जने तुअर की भी बनाते हैं मसूर की भी बनाते हैं, ये 2 मिला के बनाए तो टेस्ट अच्छा आता। दाल में हरी मिर्ची डाल लीजिए, टमाटर डाल लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लीजिए, हल्दी भी और करिया पाक भी डाल लीजिए। अच्छे से मिलाइए, ये माप से 1 मग तेल डाल लीजिए उसमें डाल के। अब कुकर का ढक्कन लगा लीजिए, 5 से 6 सीटियों में हमारी दाल गल जाती है, फुल फ्लेम पे रख दीजिए। ये देखिए हमारी दाल गल गई है। अब इसमें मिर्ची, नमक डाल के अच्छे से घोट लीजिए दाल को, अच्छे से मिलाइए, मिला के अच्छे से घोट लीजिए। ये देखिए हमारी दाल घोटी गई है। अब इसमें खट्टे का पानी डाल लीजिए, इमली के खट्टे का, अच्छे से मिलाइए। धनिया पाउडर डाल दीजिए, करिया पाक डाल लीजिए। दाल थोड़ी गाढ़ी दिख रही है हम लोगों को, थोड़ा पानी डालिए, 1 कटोरी पानी डाल लीजिए, अच्छे से उबालिए, इसे दाल उबाल आ जाना चाहिए। ये दाल ऑनटी जब तक मैं आपको आलू की कटलीस की स्टफिंग दिखा दूँ। ये देखिए आलू की कटलीस की स्टफिंग है, इंग्रेडिएंट्स है 8 से 10 आलू ले लीजिए, मीडियम साइज की प्याज ले लीजिए चॉप करी हुई, 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 2 मुट्ठी हरा धनिया ले लीजिए, ये 50 ग्राम मटन का कीमा ले लीजिए, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये 2 अंडे ले लीजिए, फेड़ लीजिए 2 अंडे, आलू को गलने रख दीजिए। ये नए आलू आए हैं, 2 से 3 सीटी में गल जाते हैं, अच्छे से गला लीजिए। ये दो से तीन ब्रेड है, इसको ग्राइंड कर लेके इसका पाउडर निकाल लीजिए। ये देखिए हमारी दाल में उबाल आ गया है। अब इसमें हरा मसाला डाल लीजिए, हरा धनिया, अच्छे से मिलाइए। अब चूल्हा बंद कर दीजिए। अब हम खीमे की तैयारी कर लेंगे। एक पैन में
दो चम्मच तेल डाल लीजिए। ये चम्मच से डाल ले रहे आप लोग जो है इसे डाल लीजिए। तेल गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डाल लीजिए, अच्छे से मिलाइए। ये देखिए प्याज नरम हो गई, अब इसमें खीमा डाल लीजिए। इसमें नमक डाल लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, अच्छे से मिलाइए। लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दीजिए, गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें हरा धनिया डाल लीजिए। कुछ लोग कुकर में भी बनाते हैं, पैन में भी बनाते हैं, एक साथ कुकर में भी चढ़ा सकते हैं, पर हम ना पैन में बनाते हैं। ये देखिए हमारा कीमा रेडी हो गया है, अब इसमें थोड़ा मोजरेला चीज डाल दीजिए, इससे मज़ा अच्छा आता है कीमे का। ये देखिए हमारा कीमा रेडी हो गया, अब गैस को ऑफ कर दीजिए, अब कटलेट बनाने की तैयारी करिए। ये देखिए हमारे आलू गल गए हैं, अब इसे मैश कर लीजिए अच्छे से। मैश हो गया है अच्छे से, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, काली मिर्ची का पाउडर डाल लीजिए और हरा धनिया डाल, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अच्छे से मिक्स कीजिए इसे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कीजिए इसे। कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी में तेल ले लीजिए, ऐसे तेल हाथ को मल लीजिए। अच्छे से मल लीजिए, कटोरी के शेप में बना लीजिए आलू। बंद कर दीजिए, खुलना नहीं चाहिए। ये देखिए अच्छे से बन गया है माशाल्लाह। ये देखिए ऐसे ही पूरे कटलेट्स बना के रेडी कर लीजिए। ऐसे ही पूरा कटलेट्स रेडी कर लीजिए। ये देखिए हमारी कटलेट्स बन के रेडी हो गई है। पहले हम दाल बगा लेंगे, उसके बाद कटलेट्स डाल लेंगे। एक पैन में डालडा घी डाल लीजिए, बगाने दाल बगा। थोड़ा घी कम दिख रहा तो तेल भी डाल लीजिए एक चम्मच। अब इसमें लहसुन डाल लीजिए, जीरा डाल लीजिए, अब इसमें करिया पत्ता डाल लीजिए, सूखी मिर्चियां डाल लीजिए। देखिए दाल में डाल लीजिए, पैन में दो चम्मच तेल डाल लीजिए, कटलेट्स डाल लीजिए। कटलेट्स तलने की तैयारी। ये देखिए कटलेट्स को अंडे में डीप कर लीजिए, ये डबल रोटी के क्रम में मिला लीजिए अच्छे से।
ये देखिए, अब डाल दीजिए दाल। ये देखिए, ऐसे ही पूरे कर लीजिए, अंडे में डिप कर लीजिए, फिर ब्रेड में। ऐसे ही पूरे कटलेट्स तल के रेडी कर लीजिए। ये देखिए, हमारी कटलेट्स तल के रेडी हो गई है, माशाल्लाह। अब हम प्लेटिंग कर लेंगे, कलर भी कितना अच्छा आया है देखिए, माशाल्लाह। ये देखिए, हमारी खट्टी दाल भी कटली रेडी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत दिख रहा है देखिए, माशाल्लाह। ये देखिए, माशाल्लाह। ये देखिए दाल, देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।